वेलकम स्टूडेंट। जो भाई प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसी का यूज करके हम चेक करने के साथ साथ किसी का फॉर्मूला है वो ड्राइव भी कर सकते हैं। कोई भी यदि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये पता हो कि वो जो क्वांटिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती। तो यदि हम इसमें लिखें By using the principle of homogeneity, we can also derive the formula for a physical quantity if the factor on which the physical quantity depends are provided। यदि हमें वो सारे फैक्टर है वो दे रखे हो तो हम ये वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं उसके साथ साथ। ठीक है भाई, अब कैसे होगा ये, चलो इसमें एक प्रॉब्लम हम करके देखते हैं। इसके साथ साथ क्या है प्रॉब्लम भाई, देखिए इसमें ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पेंडुलम इफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड of time period for pendulum if it depend upon mass m, length of pendulum L and acceleration due to gravity G, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है भाई। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है भाई, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो वैल्यू है भाई हमारे पास, जो टाइम पीरियड है किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके मास पे कर रहा है, मास के स्क्वायर के है किसके है ये हमें नहीं पता। तो हमने पावर क्या मान ली उसकी ए, लेंथ पे है उसकी भी नहीं पता बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका भी नहीं पता, उसकी पावर क्या मान ली हमने सी। इन तीन चीज़ों पे जो हमारी क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही उनको हमने मान लिया। अब इस साइन को हटाएंगे तो आपको पता ही है सीधी सीधी बात क्या है, कॉन्स्टेंट के एम ए एल बी और जी सी। ठीक है,
उस साइन को हटा के हमने क्या यूज कर लिया, ठीक। और यहाँ पे जो के है भाई, ये डाइमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है, वेयर के इज डाइमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। कैसा कॉन्स्टेंट है भाई, एक डाइमेंशन लेस, ठीक है। देखिए आप इसमें आगे राइटिंग डाइमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड, ठीक है। तो इधर तो क्या है भाई, टी है केवल, क्या है उस साइड, केवल टी है। या फिर हम इसको ऐसे लिखें कि किसका लिखना है, इधर टी का, इधर एम पावर कितनी है उसकी ए, और एल पावर कितनी है बी, और जी पावर कितनी है सी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यदि इसमें देखें के का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि के कैसा है, डायमेंशन लेस। तो इधर टी एम की पावर ए, एल पावर बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन इसकी पावर सी। ये लिख दिया हमने। यहाँ से अब हम इसको अलग अलग लिखें या फिर कंबाइन करके वही लिखें, तो एम की पावर ए, एल की पावर बी, एल टी माइनस वन इसकी पावर कितनी, तो इसको हम इधर पावर सी और इसकी भी पावर सी अलग अलग लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। यहाँ से यदि हम देखें एल की दो पावर है भाई, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी बी प्लस सी और टी की पावर माइनस सी। या ठीक है, यहाँ तक कर सकते हो आप कि दोनों की पावर हमने एल टी माइनस टू होता है, सॉरी भाई माइनस टू होता है, तो माइनस टू सी आएगा, ध्यान नहीं रहा, माइनस टू सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है हमारा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कौन सा कह रहा हूँ भाई, मैं होमोजेनिटी वाला प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ, पावर ऑफ एम एल टी आर इक्वल ऑन बोथ साइड, क्या होंगी, दोनों की पावर इक्वल होगी दोनों साइड। तो T की पावर कितनी, इधर वन है भाई, सीधा हम कहें T की M की पावर मतलब A की इधर कितनी है जीरो, तो A की पावर कितनी जीरो, L की कितनी है B प्लस सी इधर कितनी जीरो, उधर तो L की B प्लस सी इधर कितनी है ही नहीं, तो जीरो। अब माइनस टू सी और इधर कितना है भाई वन, तो माइनस टू सी किसके इक्वल हो गया वन, और C की वैल्यू किसके इक्वल होगी माइनस वन बाई टू। इसमें यदि हम पुट करते हैं तो B की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी माइनस सी के, मतलब बी इज इक्वल टू किसके आ गया भाई प्लस वन बाई टू के इक्वल। एक इश्यू जो हम देख रहे भाई, इन दोनों में कंपेयर किया, इधर ए नहीं है एम नहीं है तो ए की पावर कितनी होगी जीरो, इधर था तो वैल्यू क्या थी भाई हमारे पास नॉन जीरो, ठीक है। अब जो इक्वेशन फर्स्ट हम मान, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करो भाई ए बी सी की, तो टी इज इक्वल टू के किसी की भी पावर जीरो, एम की पावर कितनी है जीरो, तो क्या हो जाएगा वो वन, एल एल की पावर कितनी है बी मतलब वन बाई टू, और जी की पावर कितनी है माइनस वन बाई टू, तो टी इज इक्वल टू के एल वन बाई टू, जी नीचे आएगा तो प्लस वन बाई टू, तो टी की वैल्यू क्या होगी के वन बाई टू का मतलब रूट होता है रूट एल बाई जी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ, यदि हम बात करें जो सिंपल पेंडुलम हमारे पास उसके जो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू,
और यदि हम किसी और फॉर्मूले का यूज एक और मेथड यूज करें तो के की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, कितनी होगी भाई वो 2 पाई। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी फॉर्मूले की जो एक्यूरेसी उसको चेक किया था, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे पास 3 डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस जो है उनके जो यूज थे वो हमने पढ़े। अब हम यदि बात करें किसके बारे में, लिमिटेशन, ये तो भाई हमने इनके फायदे देख लिए। यदि मैं अब आपसे कहूं कि इनमें कमियां क्या क्या हैं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये देखिए भाई इंपॉर्टेंट है क्या है इसमें। हम यदि पहला देखें कि इट डज नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। यदि कोई भी ऐसा कॉन्स्टेंट है जिसमें डायमेंशन नहीं है तो उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताता। सेकेंड कि ये हमें नहीं बताता है कि जो क्वांटिटी हमारे पास वो स्केलर है या वेक्टर। Tell us that the physical quantity is scalar or vector. Third, यदि मैं बात करूं, if या it does not give us result if a physical quantity depend upon more than 3 मतलब जो हम किन 3 की बात कर रहे हैं भाई, जो लेंथ और वो हमारे पास मास, लेंथ और टाइम यदि है, 3 फैक्टर आप लिख सकते हो या फिर इसको, उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी इसमें नहीं पता लगती, ठीक है। और यदि हमारे पास कोई भी ऐसा जिसमें हम इफ ए फंक्शन हैव ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फिर हम कहें लॉगरिथम फंक्शन, लॉग फंक्शन या फिर हम कहें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें e की पावर, उसके बारे में हमें यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलती। तो ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंट वो लिमिटेशन है। पहला तो हमें नहीं, हमने बता दिया कि यदि किसी में डायमेंशन नहीं है तो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। सेकंड हमने क्या देखा कि ये नहीं बताता कि कोई भी एक क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है। फिर हमने क्या देखा कि ये भाई कोई भी रिजल्ट हमें नहीं देता है यदि कोई भी क्वांटिटी है वो 3 से ज़्यादा फैक्टर पर, यदि मास, लेंथ और
टाइम के अलावा किसी और पे डिपेंड करती है, तो उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। लास्ट हमने क्या देखा कि यदि किसी में साइन थीटा, कोस थीटा, लॉग एक्स इस तरीके का कुछ आए, उसके बारे में ये भी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।